ग्रिल खाली सेकेगा कन्वेक्शन में, जैसे पापड़ वगैरह उगलते हैं, ठीक है ना। और ये क्या, कन्वेक्शन कॉम्बी। मॉर्निंग और वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का अजय ब्लॉग में स्वागत है। और आज का ब्लॉग, आज बता दें कि आज 7 नवंबर है, जो कि अभी का ब्लॉग बस स्टार्ट कर रहे हैं। आज के डेट में हम लोग जा रहे हैं अभी फील्ड में डीएक्शन की मीटिंग करने। तो बता दें अभी सर कहाँ जा रहे हैं आज के डेट में? हरी घास साइड। और अजब सर है हमारे, आप लोग सभी लोग जानते होंगे अजब सर को हमारे। फिलहाल अभी हम लोग चल रहे हैं और वहाँ का भी वीडियो बनेगा तो आप लोग को दिखाएंगे। चफरी में, जो कि ये पुरवा गांव लगता है, और बहुत ही ज़्यादा अंदर है। हम लोग आते आते थक गए और काफ़ी देर के बाद इस गांव पहुँचे। कांटेक्ट में था, मोबाइल नंबर सबके पास था, तो बात करते 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 और बहुत देर के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और चलते हैं यहाँ पर, इंफॉर्मेशन देते हैं डिक्शन की और डिक्शन मीटिंग करते हैं। इसके बाद छोटे छोटे बच्चे आगे देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं वीडियो में। भी आ गए हैं भाई सर, और अभी और लोग आ रहे हैं, सब लोग आ जाएं, फिर इन्फॉर्मेशन देते हैं और डीसी बारे बताते हैं, कैसे बीमार ना पड़े, बचाव करें, और इसके बारे में इसके विषय में बताते हैं। और इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। अभी हम लोग एक गांव से, बगल में गांव था, वहां पर मीटिंग करके और दूसरे गांव में पहुंचा है। तो जिनके साथ सर आए हैं वह ये जो हैं मैम हैं, तो यही इस गांव में मीटिंग करा रहे हैं। बता दें ये जो गांव है, ये आप लोग देख सकते हैं, इधर वो दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, यहाँ पर गंगा जी दिख रहे हैं हमको। अभी हम बैक कैमरा से आप लोग को दिखा रहे हैं जी। ये गांव है बहुत ही ज़्यादा छोटा गाँव है, ज़्यादा ज़्यादा 2-4-10 घर हैं। और फिलहाल अभी यहाँ भी बताते हैं, देखते हैं क्या होता है। और अभी बैक कैमरा से आपको पहले गंगा जी दिखाते हैं। ये देख सकते हैं, ये दिख रहा है आप लोग को, ये देख सकते हैं आप लोग को दिख रहा होगा गंगा जी। और ये गांव का सीन है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये क्या है, ये ओ कुआं है। और गांव में तो अच्छा ही लगता है। फिलहाल ये गांव में एक नाला गया है यहाँ से, ओ भाई। आ जाओ, इधर ऐसे बगल में हो जाओ तो वीडियो बन रहा है ना। और तुम बैठो। क्या नाम है आप लोगों का, क्या नाम है? ये देखिए छोटे छोटे बच्चे कितने छोटी सी घोड़े पर बैठे हैं। वो भी देखिए, वो भी बैठने जा रहा है पीछे। और अभी हम लोग यहाँ से चलेंगे तो दो जगह हम लोग मीटिंग कर चुके हैं। और अभी हम लोग मलकिया में पहुँचा है। मलाका में अभी हम लोग चल रहे हैं छोला भटूरा खाने। ये यहाँ पर हम लोग लगभग 2 साल पहले इस दुकान पे एक बार आए थे, और आज बहुत दिन बाद यहाँ पर छोला भटूरा खाने जा रहे हैं। बहुत ही टेस्टी यहाँ पर छोला भटूरा मिलता है। और रिस्टार्ट करिए सर, आ रहा हमारा भी। ये आ गया गर्मा गर्म भटूरा और छोला और दमालू भी, ये दमालू है। और अभी तो पेट भर गया, मेरा पेट फुल हो गया। और यहाँ पर छोला भटूरा मात्र 30 रुपये में एक फुल प्लेट मिला, और जो कि 2 भटूरा बड़ा बड़ा था, और बता दें कि 2 मिल्क सब्जी थी, और जगह तो एक ही मिल्क सब्जी मिलती है, जो कि छोला भी था और साथ में दम आलू भी था।
ये है मलाका, देख सकते हैं मलाका, ये है मलाका मोड़, और मलाका मोड़ के जस्ट बगल ही है सोनू मदन माल। ये बहुत ही फेमस छोला भटूरा दुकान है। यहाँ पर लगभग एक दो साल पहले हम आए थे और टेस्ट किए थे, वाकई बहुत अच्छा था। तो आज बहुत दिन बाद यहाँ पर हम लोग जा रहे थे तो सोचा खा लिया जाए। ओ भाई पूरा पेट फुल हो गया खा कर, मज़ा आ गया। और अभी हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर, बस टिकिया गरम गरम चल रही है, तो हम लोग दो टिकिया बोले हैं, एक एक टिकिया खाएंगे, पेट फुल हो गया, फिर भी टेस्ट के लिए खाएंगे। दे सकते हैं भैया, तो भैया अपने दुकान का नाम बता दीजिए और यहाँ का न्यू फेमस छोला भटूरा ये कहाँ पर है बता दीजिए। मलाह खरहार चौराहा। मलाह खरहार चौराहा, और बहुत ही टेस्टी था, मज़ा आ गया खाने, पेट फुल हो गया। आप लोग यहाँ पर कम प्राइस में और खा सकते हैं, और बहुत ही टेस्टी छोला भटूरा। सर मज़ा आया खाने में? बहुत मज़ा आया, बहुत टेस्टी, दिल खुश हो गया। दिल खुश हो गया वाकई में। अगर आप लोग खाएंगे, अगर इधर जा रहे हैं, अगर हमारे यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं आप लोग, इधर से जा रहे हैं, तो आप लोग एक बार जरूर यहाँ टेस्ट करिएगा। अभी गर्मा गर्म टिक्किया छन रही है, इसको भी हम लोग टेस्ट करते हैं, ये टिक्किया गर्म गर्म, और इसका भी टेस्ट करते हैं। ओ भाई गर्मा गर्म टिक्किया, वाह टिक्किया भी बहुत टेस्टी है। ये सर बांध कर कैसे और हम लोग खाते हैं, इसके बाद भी निकलते हैं घर की तरफ। और अभी हम घर पहुंच जाए हैं, और पापा भी बस जस्ट पहुंच रहे हैं इलाहाबाद से। इधर ये कार आ चुकी है जिसमें नंबर प्लेट आ चुका है और पड़ चुका है, लग चुका है, ये बैक होके और यहाँ पर लगेगा। विजय क्या लिए हो? ये कैरी बैग झोले डिएक्शन का, ये फोटो। ओ भाई गिर गया, ये डिएक्शन का झोला है, ये भी कार आ रही है। और ये देखिए नंबर प्लेट, ये लग गया पर चुकी। नंबर प्लेट सही है? हाँ सही है। आप कितना अच्छा लग रहा है, ये लाइवी लग गया और सब कुछ। अभी बता दें कि जो हम लोग इनका इंतज़ार कर रहे थे, जो एल जी का हम लोग ओवन लिए हैं, तो ओ वाले भैया लाइट कट गई। ओ भाई लाइट का इंतज़ार कर रहा था, लाइट कट गई। ओवन वाले भैया आ चुके हैं जो कि अभी चेकिंग होगा, और जो हमारे लाइट कट गई, ओवन है और अभी बस ओपन होगा ये। ये मिला है, इसके अंदर था, और ना ये बॉक्स मिलता है, हाँ बोरोसिल। कल हम लोग यूट्यूब पे देख रहे थे इसका पहले वीडियो, और ये मिला है, हाँ हाँ हाँ, और ये मिला है साथ में। देखिए इधर जाऊँ, कोई भी डाउट होगा तो उसमें आप बात करके उसको बताओगे तो पूरा बताएगा। ये ऐसे लगता है, ये यहाँ लगेगा, इसमें कोई चीज आपको सीखना है जैसे बैगर वगैरह, हाँ ऐसे करके ऐसे निकलता है, नहीं ये चीज गर्म हो जाता है, ठीक है। ये कभी हटेगा नहीं, जो भी रखेंगे इसके ऊपर रखेंगे, हाँ ठीक है, एक तरह की टावर है, इसी में रहेगा ये। ओके डेट वेरी लो, आधार कार्ड भी जो रहेगा वही डाल दीजिए, पैन कार्ड नहीं यूज में लगाए ना, पैन कार्ड आधार कार्ड भी लगाए, नहीं नहीं आप लिख दिए इसमें पैन कार्ड, नहीं अभी पैन कार्ड पे टिक नहीं है मेरे लगा, मैंने सिर्फ आधार कार्ड पे टिक लगाया। ग्रिल खाली सेकेगा कन्वेक्शन में, जैसे पापड़ वगैरह उगलते हैं, ठीक है ना। ये क्या कन्वेक्शन कॉम्बी, कन्वेक्शन कॉम्बी में जब जाओगे, जब जो है इंडियन रोस्ट में जाओ रोल करोगे। और अभी जो ऑन हो रहा था चेक, तो वो सब कुछ ओके है, और आज तो ज़्यादा कुछ नहीं बता के गए, बस थोड़ा बहुत बताएं, पानी बॉयल किए और बस यही कुछ बताए,
और कल के डेट में आएंगे, कल के डेट में बोले आने के लिए, कल के डेट में टाइम मिलेगा तो आएंगे, वरना पैसों के डेट में आएंगे तो और फंक्शन बताएंगे और सब कुछ बताएंगे डिटेल में। चलिए ले सकते हैं आप लोग अंदर को, ये अंदर का सीन है पूरा, तिल्ली तिल्ली, और ये भी तिल्ली वाला बिस्कुट खा रहा है जो पापा लोग गए थे वहाँ से लाए थे, गया बिहार से लाए थे। और बता दें कि अभी हम भोजन नहीं किए हैं, ऊपर बस नीचे थे, कार वगैरह साफ कर रहे थे, कार तो कार में मस्ती करने लगे थे, म्यूजिक वगैरह बजाने लगे थे, इसके बाद ऊपर आए तो खाने में कुछ नहीं बचा है, बस चावल अकेले बचा है। और अभी ढूंढ रहे हैं हम लोग मैक्रोनी, उस दिन हम लोग मैक्रोनी रहे थे इसीलिए ढूंढ रहे हैं मैक्रोनी है कि नहीं है, लगता है ख़त्म कर डाले हैं, मैक्रोनी भी मिल नहीं रहा है, ये सभी लोग ढूंढने लगे हैं। और अभी हम ही सब लोग भोजन कर लिए हैं, हम ही कल बाकी है, हम ही कल अभी नहीं खाए हैं तो मैक्रोनी ढूंढवा रहे थे, ये थोड़ा सा खाएं बोल रहे हैं, और अभी थोड़ा सा चावल बचा है बस थोड़ा सा, तो हमने प्याज वगैरह टमाटर वगैरह काटा है, अभी इसका चल रहे हैं फ्राई राइस बनाने, राइस और ढूंढ रहे थे कि मैक्रोनी मिल जाए तो वो भी साथ में बना ले, लेकिन मैक्रोनी नहीं मिल रहा है, लगता है लोग बना के खा डाले हैं। और क्या थोड़ा सा कुछ दिन हम लोग थोड़ा सा बनाए थे और मैक्रोनी लगता ख़त्म हो गया, फिलहाल अभी हम लोग तो खाते हैं बनाकर और इस वीडियो को करते हैं पर एंड, खाने का वीडियो भी तो नहीं बना पाएंगे तो क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, और इस वीडियो करते हैं पर एंड। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट रेजो करिएगा, और मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो कल के डेट में अगर आएंगे तो कल के डेट में आपको ये डिटेल में बताएंगे, तो वीडियो बनाएंगे हम और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए गुड नाइट। We're done with the singing.